नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू हितों का धन्यवाद दो, खून बहेगा सड़कों पे। हिंदू हितों का धन्यवाद दो, खून बहेगा सड़कों पे। जय करो वीर बजरंग दल, जय करो वीर बजरंग दल। वारदात मंदिर के विषय को ही लेकर सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस प्रकार से लगातार मंदिरों के ऊपर हमले
हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। हिंदू पहले ही दुखी है, पूरे देश के अंदर हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर के अंदर हिंदुओं को टारगेट किलिंग के तहत मारा जा रहा है, हिंदू कश्मीर घाटी को हिंदू हीन करने की कोशिश, वहां पर हमारे धार्मिक स्थल जो है उनको तोड़ना, इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। अभी 2-3 महीने के अंदर 7-8 मंदिर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तोड़े गए हैं। लेकिन कैसी धाराओं के तहत जो मुकदमा बढ़ता है, कम से कम उनके मुकदमा दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंचाया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है और ना ही किसी दोषी को अरेस्ट किया गया है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, केवल कोरे आश्वासन अभी तक हिंदू समाज को दिए जा रहे हैं। राखी जी, मेरा कोशिश की जा रही है, देखिए मेरा मानना है कि जम्मू के अंदर सभी लोग जो हैं वो सतर्क हैं, आतंकवाद को यहाँ पांव पसारने के जो है वो जगह नहीं मिल रही है, उन्होंने दूसरा तरीका जो है कुछ शरारती तत्वों के साथ मिलकर इस प्रकार से किया है। जब ये लोग पकड़े जाएंगे अपने आप जांच के इसमें आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यहाँ का माहौल जो है जम्मू कश्मीर का उसको खराब करने की कोशिश जो है इन जिहादियों के द्वारा की जा रही है, जिसको हिंदू समाज सफल नहीं होने देगा। और इसी पुलिस से हमारा आग्रह है और हम गवर्नर साहब से भी आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि हमें उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य न किया जाए। इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसलिए हम शांति बनाए हुए हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालें और हिंदू समाज पर हो रही प्रताड़ना को समाप्त करने का काम जो है वो ये सरकार करे। आखिरकार